चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या डिफरेंस है सिक्स सिग्मा में, और जो कि पुराने क्वालिटी मैनेजमेंट या इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, जिनको हम कहते हैं कि वो पास्ट के इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव थे। तो जब सिक्स सिग्मा लॉन्च किया गया आज से 30 साल पहले, ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद तक भी जब भी मैनेजर्स को बोला जाता था कि वो सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोसेसेस में, तो वो सोचते थे कि ये भी एक तरीके का फ्लेवर ऑफ मंथ है। जैसे नई नई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक आती रही और वो फिर उनका क्योंकि इतना फ़ायदा नहीं हुआ तो वैसे वैसे वो डिस्कार्ड भी होती गई। तो उन्होंने सोचा कि सिक्स सिग्मा भी शायद एक ऐसी ही टेक्निक है जो आएगी और चली जाएगी। बट सिक्स सिग्मा एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम रहा और इसका इस बात का प्रूफ ये है कि आज इतने 3 डिकेड्स के बाद भी, 30 सालों के बाद भी, अब कंपनीज़ और ज़्यादा चाहती हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस हों वो सिक्स सिग्मा लेवल के हों, वो लीन और सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी ना किसी स्तर पे सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड हों, चाहे अगर बेस लाइन है तो वो वाइट बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट्स हों, ब्लैक बेल्ट्स हों। तो इसका मतलब यही हुआ कि सिक्स सिग्मा एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेथड है जिसको हम नकार नहीं सकते। तो इसके कुछ कारण हैं। तो अगर मैं आपको पहले बताऊं कि अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें आप ये फ़र्क समझने के लिए कि पुरानी टेक्निक्स क्यों नहीं सस्टेन कर पाई और सिक्स सिग्मा क्यों सस्टेन की, तो अगर आप मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी डिस्कार्ड नहीं हुआ, वो अभी भी यूज़ होता है, बट जो सक्सेस सिक्स सिग्मा को मिली उतनी अब इसकी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, और आप उनसे सिंपल ये पूछें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि वो क्या समझते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप 7-8 लोगों से पूछोगे तो आपको 7-8 डिफरेंट आंसर मिलेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से डिफाइंड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उसके बेसिकली उनके पास कुछ ऐसे टूल्स नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है जिसे वो फॉलो करते हैं, तो उनके आंसर्स उनके तरीके से अलग अलग होंगे। और वहीं पर अगर आप कुछ सिक्स सिग्मा प्रैक्टिशनर से बात करें जो सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करते हैं आप, और उनको यही क्वेश्चन आप उनसे पूछें कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्स सिग्मा, तो मैं आपको बताती हूँ कि 99.9% टाइम्स आपको सेम आंसर मिलेगा कि उन वो बेसिकली वो बताएंगे कि उनका उनका क्या उन्होंने क्या समझा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका तरीका क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अभी हमने पढ़ा कि सिक्स सिग्मा कैसे डिफरेंट है पास्ट की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक से, तो हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को पढ़ा और समझा कि कैसे सिक्स सिग्मा डिफरेंट है। तो अगर मैं 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि अगर आप सब छोड़ के सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि कैसे सिक्स सिग्मा अलग है पुरानी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक से, तो वो 3 मेन करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला है सिक्स सिग्मा कस्टमर फोकस्ड है, तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। फिर आता है कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप कोई भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता कि वो कितने प्रॉफिट्स बॉटम लाइन पे लेके आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है सिक्स सिग्मा में और बाकी के क्वालिटी प्रोग्राम्स में, क्योंकि जो पुराने क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा बात करते हैं प्रोसेस को इम्प्रूव करने की, लेकिन सिक्स सिग्मा बात करता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर हमें कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो है कि सिक्स सिग्मा चेंजेस हाउ मैनेजमेंट ऑपरेट्स, कि सिक्स सिग्मा ये बहुत कि मैनेजमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है सिक्स सिग्मा के अंदर, जो कि पुराने क्वालिटी प्रोग्राम्स में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो अगर हम पहले पॉइंट पे वापस आएँ कि सिक्स सिग्मा फोकस्ड है, सिक्स सिग्मा है वो कम्प्लीटली फोकस्ड है कस्टमर के ऊपर, तो जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए, जब भी मैं यहाँ कस्टमर की बात करती हूँ मैं एक्सटर्नल कस्टमर की बात करती हूँ, एक्सटर्नल कस्टमर की जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है।